अच्छा, लास्ट क्लास में जो है हमने कुछ टैग्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया था। पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से जो है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। सही है। अच्छा, ये होपफुली सबको समझ आ गया होगा और आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह भी कर ली होगी। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा कि माइक से आवाज़ सही आ रही है और स्क्रीन वगैरह शेयर सही हो रही है आप लोगों को। तो आज जो है हम थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे जो CSS के हैं वही। ठीक है, तो एक तरफ हम अपने पास भी साथ साथ खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा लास्ट क्लास में कवर हो गया था। ठीक है, और थोड़ा सा और अगर हम अभी इसमें आगे जा कर के देखें तो हमारे पास यहाँ पर अगेन वही सारी प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, अब ना यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लाइक ये जो आपको नज़र आ रहा होगा सेमी सॉरी कॉलन जो उन्होंने लगाया हुआ है, अगर हमें डायरेक्टली किसी भी क्लास को टारगेट करना है, ठीक है, इसे हम बेसिकली बोलते हैं स्यूडो क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी हुआ है कि इन CSS देयर आर टू स्यूडो क्लासेस दैट अलाउ यू टू सेट डिफरेंट स्टाइल्स फॉर लिंक दैट हैव एंड हैव नॉट बेयर बीन विजिटेड। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे एक एंकर का टैग है आपके पास, ठीक है, और आपने उस एंकर के टैग के अंदर एक लिंक है, सिर्फ उस लिंक का कलर चेंज करना है, तो फिर आप इस तरीके से जो है स्यूडो कोड के जरिए उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये अभी हम देखते हैं आगे चल के कि इसको हम किस तरीके से रन कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अब देखिए यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि जैसे ही इन्होंने यहाँ पे लिंक के ऊपर होवर किया तो वहाँ पे उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, लेट्स सी अब ये वर्क कैसे करता है। सही है, तो इसको एक दफा हम ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में ना इन डेप्थ आगे चल के पढ़ेंगे, अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम इसका, क्योंकि ये एक पूरा एक लेंथी टॉपिक है स्यूडो कोड्स का, तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव। तो हमारा ये होम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं ना यहाँ पे स्टाइलिंग, वो हम यूज़ करेंगे इंटरनल स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगा। ठीक है, एंड जो हमारे पास यहाँ पे एंकर का टैग है, उस एंकर के टैग के अंदर जो लिंक है सिर्फ उसी के अंदर हमें यहाँ पे कलर ऐड करवाना है, एंड कलर हमें लाइक लेट करवाते हैं, लेट से ब्लैक। ठीक है, तो जैसे ही हम अपने ब्राउजर के ऊपर आएंगे एंड थोड़ा सा मैं अगर इसको जूम कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो लिंक है उसका कलर चेंज नहीं हुआ। लेट्स सी ये क्यों नहीं हुआ, हमने आई थिंक वहाँ पर क्लास वगैरह ऐड नहीं करवाई है। ओके, तो हम एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। आ गया हमारा टैग, ये रहा। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसकी कोई क्लास ऐड करवा रहा हूँ नाम से ना, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको डॉट नोटेशन के तौर पे देना चाह रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली वो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारा जो स्टाइल का टैग है आई थिंक ये इसे रीड नहीं कर रहा। हम डायरेक्टली यहाँ पे डॉट ए को टारगेट करके कुछ कलर दें। लेट सी वाइट कलर दे करके देखें। तो बेसिकली वर्क कर रहा है, बट जो हमारे पास यहाँ पे सीडो कोड है वो इस टाइम पे एंकर के लिए रन नहीं हो रहा। वंस अगेन ये होवर के ऊपर भी इफेक्ट यहाँ पे हमें नहीं दे रहा। तो इन्होंने यहाँ पर बेसिकली इसका कोई कोड ऐसे दिया हुआ नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे पास एरर्स आ रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने ठीक है सारी चीज़ें हमने करी हैं करेक्ट, बट ये हमें यहाँ पे नहीं दे रहा। लेट्स सी इसको हम आगे चल के देखेंगे कि इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ये अगेन मैंने बताया कि एक लेंथी टॉपिक है और अभी इतने आसानी से ये समझ में नहीं आएगा, और सिर्फ इसके अंदर जो है लाइक सिर्फ ये सिंगल कोड्स
नहीं होते, इसमें डबल कोट्स भी होते हैं, डबल कोट्स के ऊपर भी आप यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे अपनी क्लास को लेके जा रही होती है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी कि लेट से अगर मेरे पास ये एक एंकर का टैग है, ठीक है, और इस एंकर के टैग के ऊपर मैं लेट से कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक चाहिए होवर इफेक्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, होवर करके लिखूंगा, ठीक है। एंड देन मैं इसमें बताऊंगा कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर जो है वो क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, ठीक है। अब लेट से मैंने कहा कि भाई इसके अंदर जो मैं होवर कर रहा हूँ, तो होवर करते हुए इसका कलर हो जाना चाहिए वाइट। तो मैंने देखे किस तरीके से लिखा, डॉट ए, डॉट ए बेसिकली इसकी क्लास है, ठीक है, और साथ में मैंने कॉलन लगाया है और होवर का एक कीवर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा और अपने ब्राउजर के ऊपर आऊंगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, ये देख रहे हैं आप लोग, इसने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। बेसिकली ये भी एक सूडो एलिमेंट का ही कोड है, अगर हम बात करें, इसने देखें इसके होवर के ऊपर। अच्छा ये सबको नज़र आ रहा है, काइंडली ये मुझे बताइएगा कि स्क्रीन जो मैंने यहाँ पे जूम की हुई है ये ओके है या इससे ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत है। जी स्टूडेंट्स ऑल क्लियर, तो ये आपका बेसिकली एक होवर इफेक्ट आपका यहाँ पे इस तरीके से आप लेकर कि आप डिफरेंट बटन्स वगैरह में देखा होगा अक्सर कि जो है होवर इफेक्ट लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो यही वाली बात इन्होंने यहाँ पर ही बताई हुई है कि होवर इफेक्ट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा और इसके अलावा एक्टिव की जो क्लास है, बेसिकली जो एक्टिव कीवर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि लेट से अगर आप होम पेज के ऊपर हो और आप होम के ऊपर से किसी और पेज के ऊपर शिफ्ट करके जा रहे हो, तो वहाँ पर हम एक्टिव की जो क्लास है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले कि ये उन्होंने एक्टिव का यहाँ पर क्या थ्योरी के बारे में बताया हुआ है। दिस इज अप्लाइड व्हेन एन एलिमेंट इज बीइंग एक्टिवेटेड बाय अ यूजर, फॉर एग्जांपल व्हेन अ बटन इज बीइंग प्रेस्ड और अ लिंक बीइंग क्लिक, सम टाइम दिस इज यूज्ड टू मेक अ बटन और लिंक फील मोर लाइक इट इज बीइंग प्रेस्ड बाय चेंजिंग द स्टाइल और पोजिशन ऑफ द एलिमेंट स्लाइटली, ठीक है। तो इन्होंने ये वाली बात बोली हुई है कि अगर आप कोई बटन को प्रेस कर रहे हो और आपने मल्टीपल बटन वहाँ पे लगाए हुए हैं और अगर आपने किसी एक को एक्टिव की क्लास दी हुई है, तो फिर वो वहाँ पे उसकी जो क्लास है उसको जाके शो करवा देगा। अब देखिए यहाँ पे लेट से यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि भाई इनपुट डॉट सबमिट, ठीक है, एक इनपुट का टैग है उसके अंदर एक सबमिट का, ठीक है। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट का टैग है और डॉट सबमिट उसकी एक क्लास है, ठीक है, और उसके अंदर जो है इन्होंने एक कीवर्ड इस्तेमाल किया है एक्टिव का, ठीक है। तो अब करेगा क्या कि जो है जैसे ही बंदा इसके ऊपर आके क्लिक करेगा तो वो उसको एक्टिव कर देगा उसकी क्लास को, ठीक है, और वो हर टाइम एक्टिव रहेगा। अब इसको हम एक दफ़ा यूज़ करके देख लेते हैं ताकि हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अच्छा हमें ना यहाँ पे बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा एक बटन, ठीक है, तो या अगर हम बटन ना भी यूज़ करें हम डायरेक्टली इनपुट टाइप बटन के ज़रिए अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। और लेट्स से मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ BTN और एक लेबल दे देते हैं, ठीक है, और फॉर आईडी का हम यहाँ पर एक रिलेशन बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, और मैं यहाँ पर ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अच्छा एक काम करते हैं साइड बाय साइड विंडो को ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक बटन हमारे पास ये BTN के नाम से एक बटन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरे पास इनपुट की फील्ड है, ठीक है, जो मेरे पास इनपुट की फील्ड है, काम करते हैं कि जो हमारे पास क्लास है सबसे पहले तो वो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट से यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्लास को भी मैं दे देता हूँ BTN, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे लेट से हमारे पास एक इनपुट है, इनपुट के अंदर हमारे पास डॉट BTN की क्लास है, उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्टिव करना है, ठीक है। एंड लेट से जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैं एक्टिव पे चाह रहा हूँ ब्लैक, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, सेव करने के बाद इसको एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देख रहे हैं आप लोग, क्लिक होने पर जो मेरा कलर है बटन का वो चेंज हो रहा है,
रहे हैं आप लोग, ये इस जो एक्टिव की क्लास है बेसिकली, वो क्लिक करने पर आपका जो कलर का इफेक्ट है वो चेंज करके आपको ला करके दिखा देती है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे इसका जो कलर है लेट से मुझे चाहिए ब्लू में, तो मतलब यही हुआ ना कि जब यूजर इसके ऊपर करंटली क्लिक कर रहा है लाइव, ठीक है, तब जाकर के मुझे इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ सबको क्लियर हो गई जी। स्टूडेंट्स जो बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि अभी तक हमने जो है वो ये जो क्लासेस हैं इनके बारे में डिस्कस किया था कि लाइक होवर इफेक्ट जो है हम किस तरीके जो के ब्राउजर का पेजेस के ऊपर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, होवर के इफेक्ट के लिए सबसे आसान तरीकेकार ये है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, एक क्लास का नेम देना है। ठीक है, क्लास का नेम देने के बाद यहाँ पे आपने होवर का एक कीवर्ड है उसको यूज करना है। ठीक है, ऐसे आप होवर का कीवर्ड यूज करके उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, अब उसके हिसाब से आपका जो होवर इफेक्ट है वो वर्क करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे होम के बटन पे लगाया हुआ है, तो जैसे ही मैं होम के बटन पे सिर्फ होवर कर रहा हूँ ले जा करके, तो मेरे पास यहाँ पे जो कलर है वो चेंज करके लाके मुझे दिखा रहा है। अब अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी कोई सेट कर देता हूँ लेट से ब्लैक, तो अब जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा तो मुझे ब्लैक बैकग्राउंड भी ला के शो करवाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने फिर उसके बाद एक्टिव की क्लास देख ली कि भाई एक्टिव की क्लास क्या काम करती है, कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वैसे ही मुझे जो है वो उसका कलर चेंज करके ला के दिखाएगी। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, हमने होवर इफेक्ट भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, फोकस जो है बेसिकली फोकस भी वही काम करता है जो कि अगर आप बात करें एक्टिव का, बट थोड़ा सा चेंजेस होती है इसमें। वो क्या चेंजेस होती हैं अगर हम यहाँ पे पढ़ें कि दिस इज अप्लाइड व्हेन एन एलिमेंट हैज फोकस, एनी एलिमेंट दैट यू कैन इंटरेक्ट विद सच एज द लिंक यू कैन क्लिक ऑन और एनी फॉर्म कंट्रोल कैन हैव फोकस। ठीक है, फोकस अकर्स व्हेन अ ब्राउजर डिस्कवर्स दैट यू आर रेडी टू इंटरेक्ट विद एन एलिमेंट ऑन द पेज, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर कर्सर इन एन ए फॉर्म इनपुट रेडी टू अप्लाई टाइपिंग दैट एलिमेंट इज सेट टू हैव फोकस। ठीक है, अब लेट से आप यहाँ पे किसी भी फील्ड के अंदर टाइपिंग कर रहे हो ना, लेट से अगर मैं यहाँ पे एक, अच्छा इन्होंने जो फोकस का जो कीवर्ड है बेसिकली जो उन्होंने यूज किया हुआ है, अगर हम यहाँ पर आकर के देखें यहाँ पे, यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने इनपुट की ही फील्ड के लिए यूज किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे इनपुट की फील्ड के यूज करके दिखाऊं, लेट से इनपुट टाइप टेक्स्ट, अच्छा स्टूडेंट आप लोगों को कहीं भी कोई इशू हो ना तो आप लोग फौरन वहीं से मुझसे रोक के पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स बाद में आए, तो अगर आप लोगों को भी कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग भी काइंडली पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव और ब्राउजर के ऊपर खोलता हूँ। हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एक फोकस की फील्ड आ गई है। ठीक है, अब लेट से मैं यहाँ पे इसको एक क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ लेट से इसका जो नाम हो वो हो टेक्स्ट। ठीक हो गया, अच्छा अब मैं ऊपर आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बोलूँगा जो मेरे पास इनपुट की फील्ड है, ठीक है, इनपुट के अंदर जो टेक्स्ट है तो उसके ऊपर मुझे चाहिए फोकस, चाहिए, और फोकस के ऊपर मैं कह रहा हूँ लेट से बैकग्राउंड का जो कलर है वो हो जाए मेरे पास ब्लैक। अब मैं सेव करूंगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा इट मीन्स कि अब ये फोकस हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को जी स्टूडेंट्स? वकास, कमल, अरीशा, आप लोगों को समझ में आ रही सारी चीज़ें? ठीक है, अच्छा कमल और वकास आप लोगों को आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन वगैरह सही शेयर हो रही है? ठीक है, तो वकास अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप उससे डिस्कस कर लें ताकि ऑनलाइन के अंदर जो है हम उसको भी दफा रिजॉल्व कर लें। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अब देखें जैसे ही मैंने कहीं और पे क्लिक किया तो वहाँ से जो मेरा फोकस था वो हट गया। अब लेकिन जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूँगा इट मीन्स कि अब मैं फोकस्ड हूँ इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के लिए, तो अब इसका कलर क्या कर देगा, ये बैकग्राउंड ब्लैक कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं डिजाइनिंग के लिए। क्लास कैसे बनाई थी टाइम, अच्छा बटन वाली क्लास कैसे बनाई थी, देखो यहाँ पर आपके पास क्या होता है इनपुट टाइप होती है बटन, तो जैसे आप इनपुट टाइप बटन यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरीके का जो शेप है वो मिल जाता है। ठीक है,
हमने क्या किया कि इसके अंदर जो है एक हमने वैल्यू इनपुट करवा दी, द नेम ऑफ btn, ठीक है। तो जो वैल्यू है बेसिकली बटन की, वो इसके अंदर हमें शो करवाएगी लेकर आगे टेक्स्ट को, ठीक है। और बाहर जो btn था, जो बाहर लेबल था, हमने यहाँ पे इसके साथ एक लेबल यूज़ किया जो कि बराबर में हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। वैसे हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इस तरीके से आपकी एक बटन की जो बटन है वो क्रिएट हो जाता है। देन आपने यहाँ पे क्लास यूज़ की, ठीक है। क्लास यूज़ करने के बाद अब हमने क्या किया कि हमने डायरेक्टली टारगेट किया क्लास को। हमने बोला भाई हमारे पास एक इनपुट की फील्ड है, उस इनपुट की फील्ड के अंदर जो बटन है, ठीक है, तो उस बटन को आप क्या कर दो, एक्टिव। जैसे ही अब मैं क्लिक करूंगा तो इट मींस कि अब ये क्लास यहाँ पे एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो है हम एक्टिव कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को स्टूडेंट्स? अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ आए और यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स के सेलेक्टर्स हैं हमारे पास, तो ये चीज़ ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेलेक्टर्स का टॉपिक ऐसा है कि आप लोगों को काफ़ी बार ये हेल्प करेगा आपकी डिज़ाइनिंग जर्नी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि एग्जिस्टेंस कैसे होती है, कि भाई एक आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेसिकली आप टारगेट करके लिखते हो, ठीक है। लेट से यहाँ पर एक पैराग्राफ है विद एन एट्रीब्यूट क्लास। अब देखो यहाँ पे पैराग्राफ है और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है क्लास का, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं डायरेक्टली चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास क्लास का जो कीवर्ड है उसके साथ में देना चाह रहा हूँ। तो देखो इन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है कि पहले तो ये है कि इसकी ई के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं उसके अंदर प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएगी। दूसरे वाले में क्या है, इक्वालिटी का इन्होंने यूज़ किया हुआ है कि भाई जो क्लास है इज इक्वल टू डॉग, सिर्फ उसके ऊपर पर्टिकुलर के ऊपर मुझे वो प्रॉपर्टी लाके करके दिखाओ। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि मैचेज अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हुज वैल्यू अपीयर्स इन अ स्पेस सैचुरेटेड सॉरी सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स करके बताया हुआ है कि भाई जिसकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स करके जो क्लास है डॉग बुला करके दिखाओ। बेसिकली हम जो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं ना वो इक्वल्स का ही यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर, और बाकी के जो दूसरे यहाँ पे सेलेक्टर थे उनका हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि ये इतने ज़्यादा हमारे पास काम में नहीं आते, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि भाई मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हुज वैल्यू बिगेंस विद अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग। अब यहाँ पे लेट से एक डी है, ठीक है। ये बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो जो भी चीज़ स्ट्रिंग के अंदर लिखी जाती है उसे हम सॉरी जो कोट्स के अंदर लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि जो स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है, ठीक है, जो स्ट्रिंग का पहला लेटर है सिर्फ ये उसको जाकर के मैश करेगा और फिर हमें उसके ऊपर स्टाइलिंग करके ला करके दिखा देगा, ठीक है। ये वाली बात समझ आ रही है आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? अगर नहीं आ रही तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ लें माइक ओपन करके। जी स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को? देखो अगर नहीं आ रहा ना तो आप आदमी मुझसे एक दफ़ा कन्फर्म करके पूछ लेना, ठीक है। ये क्या है कि भाई इसके बाद हमारे पास सब स्ट्रिंग है कि मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कंटेन्स अ स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग। अब लेट्स से आपके पास एक कीवर्ड है और आपको किसी स्पेसिफिक दो वर्ड्स को मैच करवाना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा कि आप एट्रीब्यूट करके इस तरीके से दोगे और एक स्टेरिक लगाओगे एंड देन यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे जो भी कीवर्ड है आपका वो आज यहाँ पर मेंशन करोगे। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि टारगेट एनी पी एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कंटेन्स द लेटर डू, यानी कि जो उसकी वैल्यू है उसके अंदर आपके पास जो लेटर के जो कैरेक्टर्स हैं वो दो कैरेक्टर्स को ये मैच करवाएगा। ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पे आपके पास क्लास का नाम क्या था, डी ओ जी डॉग, ठीक है। पहले वाले ने क्या किया यहाँ पे इसने सिर्फ डी को मैच करवाया, ठीक है। दूसरा वाला क्या कर रहा है कि जो दो लेटर्स हैं उनको मैच करवा रहा है। अच्छा, अब तीसरा वाला क्या है, सफिक्स आपके पास के मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग। अब देखो ये क्या कर रहा है कि ये बेसिकली मैच करवा रहा है आपकी वो वैल्यू जहाँ पे आपका जो कीवर्ड है वो एंड हो रहा है। बेसिकली एंड कहाँ पर हो रहा है, जी के ऊपर एंड हो रहा है, तो ये सिर्फ लास्ट का जो करेक्टर है सिर्फ उसको मैच करवाएगा ये, ठीक है। बस को एक दफ़ा ऊपर ऊपर से देख लो क्योंकि हम जो यूजुअली यूज़ करते हैं वो हम इज इक्वल टू का यूज़ करते हैं और ज़्यादातर हम क्लासेस को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट ये हम क्लासेस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं अगर हमें किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर लाइक स्पेसिफिक टाइप है आपकी। कि अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि भाई लेट से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, स्टाइलिंग के ऊपर। अब मैंने बोला कि यार मेरे पास एक इनपुट की फील्ड है, ठीक है, लेकिन इस इनपुट के ऊपर एक टाइप है मेरे पास, ठीक है, और वो टाइप क्या होनी चाहिए, लेट से मेरे पास है बटन की, तो टाइप जो बटन की है उसको टारगेट करो
और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे ला करके दिखा दो क्या, ब्लैक। पहले मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाता हूँ। और अच्छा वकास, दोबारा समझा दूँ? ठीक है, मैं अभी 1 मिनट आपको दोबारा समझा। तो पहले ये चीज़ समझ लो कि अगर मुझे डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली टारगेट करना है, सही है, थ्रू सॉरी टैग के थ्रू नहीं, डायरेक्टली अगर मैं उसको स्पेसिफिक कीवर्ड के थ्रू टारगेट करना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया तो क्या किया इसने कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर था वो क्या करके ला के दिखा दिया, ब्लैक। तो आपने देख ली, अब जैसे यहाँ पे टाइप क्या थी, बटन थी। तो जिस जिस इनपुट की फील्ड की मेरे पास टाइप बटन होगी, ये उन तमाम के ऊपर मुझे यहाँ पे ला के दिखा देगा स्टाइलिंग। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे मैं इनपुट की एक और फील्ड लेकर आना चाह रहा हूँ। ठीक है, और एक और इनपुट की फील्ड के अंदर जो टाइप है वो मेरे पास क्या है, बटन की है। तो इसने इसके ऊपर भी मुझे प्रॉपर्टी लाके दिखा दी। अब अगर मैं इसकी टाइप चेंज कर दूं, बटन के बजाय मैं इसकी टाइप कर दूं टेक्स्ट, तो अब ये मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी ला करके नहीं दिखाएगा। ठीक हो गया। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपकी जो टाइप है वो सेम होनी चाहिए, आपको एक ही के ऊपर टारगेट करके स्टाइलिंग करनी है। अब लेट से कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो इनपुट की फील्ड है हमारे पास, उसके अंदर जो मेरे पास टाइप है टेक्स्ट की, उसके ऊपर मुझे स्टाइलिंग चाहिए। मैं क्या करूँगा, लेट से मुझे यहाँ पे जो कलर है वो चाहिए ब्लू। ठीक है, अब मैं करूँगा इसको सेव, और अब मैं अपने यहाँ पर आऊँगा। तो जैसे ही मैं कुछ टाइप करूँगा, देखो मेरा जो कलर है वो ऑटोमेटिकली ब्लू हो गया। अच्छा, आप लोग ये भी कह रहे होंगे कि यार यहाँ पे जो बेसिकली ऊपर जो क्लास हमने दी हुई है एक्टिव की, ये इसकी वजह से ब्लू हो रहा है। तो देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो हमने टाइप जो टेक्स्ट की लिखी हुई है इसमें कोई भी एक्टिव का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया हमने। एक्टिव का कीवर्ड इस्तेमाल किया है बेसिकली वो हमने बटन के लिए किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है बेसिकली वो यहाँ पर टाइप टेक्स्ट की वजह से आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है जी स्टूडेंट्स? यानी हमें पैराग्राफ में वर्ड का कलर करना है। नहीं वकार, मुझे आपकी वाली बात समझ नहीं आई। आप एक काम करो, अगर माइक ओपन करके पूछ लोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स मुझे बताएं, अदीशा कवल, आप लोगों को कुछ सारी चीज़ें समझ आ रही हैं यहाँ तक? कोई अगर मसला है तो बेसिकली हमने बिल्कुल सिंपल काम किया। यहाँ पे हमने टारगेट किए डायरेक्टली किसी भी इनपुट की टाइप को। तो अगर हमें किसी भी इनपुट की टाइप को डायरेक्टली टारगेट करना है तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी टाइप इज इक्वल टू जो भी है वो वहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर आगे अपनी स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को जी स्टूडेंट्स? अच्छा वकास, आप मुझे या तो दोबारा पूछ लो सवाल यहाँ पे टाइप करके, ये मुझे समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हो जी स्टूडेंट्स? अच्छा आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? ठीक है, अच्छा कमल आपको यहाँ तक क्लियर है? अच्छा वकास, आपको कोई और सवाल पूछना है तो आप दोबारा पूछ लो मुझसे, क्योंकि अच्छा जो अभी सुपेक्स प्रीफिक्स का बताया था वो पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, सुपेक्स और प्रीफिक्स जो है इस ओवरव्यू करवा देता हूँ, आप लोगों को कोई इशू नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ है कि एग्जिस्टेंस, ठीक है, कि भाई इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो किस तरीके से होती है कि आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हो। ठीक है, और अगर आप किसी भी क्लास को डायरेक्टली टारगेट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप अंदर क्या लिखते हो, क्लास। ठीक है, लेकिन जो हम प्रेफर करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई हम क्लास अगर लिख रहे हैं तो साथ में उसकी जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे प्री डिफाइंड बता दें क्वालिटी के साथ। ठीक है, अच्छा इसके बरक्स हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, लाइक हमारे पास होता है स्पेस का एलिमेंट। ठीक है, ये करता है कि भाई मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हुज वैल्यू अपीयर्स इन अ स्पेस सेपरेटेड लिस्ट। अब ये क्या करेगा कि भाई स्पेस से अगर आपकी जो लिस्ट है वो सेपरेट हुई हुई है तो ये उसको जाकर के मैच करेगा। लेट्स से आपको यहाँ पे सिर्फ डॉग लिखा हुआ है और डॉग के बाद स्पेस देकर के और भी नेम लिखे हुए क्लासेस के, तो ये उस स्पेस वाले कीवर्ड को जाकर टारगेट करेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है प्रीफिक्स आपका, कि भाई ये क्या करता है कि आपका जो पहला लेटर है, सिर्फ जो पहला लेटर है क्लास का नेम का या जो भी आप टारगेट करना चाह रहे हो उसका, तो ये सिर्फ उसको जाकर के मैच करेगा और उसके ऊपर डाल करके आपकी स्टाइलिंग करके दिखा देगा। इसी तरीके से जो आपका सब स्ट्रिंग क्या करेगा कि भाई आपकी जो दो स्टार्टिंग के लेटर थे इनको टारगेट करेगा और फिर उसको मैच करेगा सबसे पहले, और फिर जाकर के स्टाइलिंग करके दिखा देगा। ठीक है,
अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके पास क्लास क्या है, मेन डॉग की है, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हो कि डॉग की क्लास को, अब यू अज्यूम कर लो कि ये जो डॉग की क्लास है आपकी, ये एक पैराग्राफ के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। और अब आप क्या चाह रहे हो कि भाई मेरे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, उनके अंदर जो है कुछ डॉग की क्लासेस हैं, कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिन जो स्टार्ट हो रही हैं विद द नेम डी या विद द लेटर डी, ठीक है। तो क्या करेगा कि भाई जो भी डी से स्टार्ट हो रही है मेरी क्लासेस, जो भी डी से स्टार्ट हो रही है, उन सबके ऊपर स्टाइलिंग करके ला के दिखा देगा। इसी तरीके से जो आपके पास सब स्ट्रिंग है, वो क्या करेगा कि भाई जो भी क्लास आपकी डी ओ से स्टार्ट हो रही है, उन सबके ऊपर स्टाइलिंग करके ला के दिखा देगा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला है, अब लास्ट वाला क्या करेगा कि भाई जो जो लेटर से एंड वाला लेटर है, लेट से अगर आपका लेटर एंड हो रहा है जी के ऊपर, और इसी तरीके से कोई भी लेटर आपका कहीं भी एंड हो रहा हो, लेट से टी पे हो रहा है या एक्स पे हो रहा है, तो वो उसके ऊपर मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग करके ला के दिखा देगा, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा है बॉक्सेस का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को जी स्टूडेंट्स? अच्छा, अब हम चलते हैं मजीद आगे की तरफ और डिस्कस करते हैं अपने। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है बॉक्स की डायमेंशन के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है, बट मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हो कि एक दफ़ा मैं ये करके, तो चलो आ जाओ, एक काम करते हैं, इसको एक दफ़ा आपको मैं कोड करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहे आपके एट्रीब्यूट्स। अब मेरे पास लेट से यहाँ पर एक पैराग्राफ है, पास है मेरे पास पैरा, ठीक है। और इसको मैं सबसे पहले अपने पास ब्राउज़र के ऊपर भी ओपन कर लेता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, तो मेरा जो पैरा है वो यहाँ पर मैंने कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखा, तो लेट से मैं यहाँ पे लोरैम 10 वर्ड्स का कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एंड देन मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा पैरा है, लाइक जो मेरी जो पी के जो एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो मेरी क्लास है लेट से पैरा की, उसको टारगेट करो, और जो उसका कलर है वो मुझे ला के दिखा दो, क्या लेट से वाइट। तो देखो इसने क्या किया कि जो मेरा कलर था, इसने मुझे यहाँ के ला के दिखा दिया कौन सा, वाइट, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि यार मेरे पास एक पैरा की क्लास है, ठीक है, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट है, लेट से मेरे पास यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये एट्रीब्यूट है जो कि स्टार्ट हो रहा है कुछ, हाँ पे जैसे कि ये स्टार्ट हो रहा था बेसिकली डी से, बट हमारा वाला जो है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, पी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है, तो कुछ ये हमारे पास कह रहा है कि भाई एरर है, क्या एरर दे रहा है, अच्छा एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर हमने यूज किया हुआ है, ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर है बेसिकली वो हमें चाहिए ब्लैक में, तो मैं इसको इज इक्वल टू के बाद लगाऊंगा, अच्छा जी। तो बेसिकली ये, चले इसको सेव करके हम देखते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा। यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगाओ उसके साथ, ठीक है। तो एक सेकंड रुकेगा, ठीक है। तो ये ब्राउजर जो है हमारा इस कीवर्ड को बेसिकली रीड नहीं कर रहा, ठीक है। तो हो सकता है कि जो हमारा ब्राउजर है क्रोम, ये इसको सपोर्ट ना करता हो,
अगेन अगर हम किसी और चीज़ को यहाँ पे ट्राई करते हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हैश को ट्राई करूँ, ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ पे जो है जो मेरा कीवर्ड है वो किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो मेरा एट्रीब्यूट का कीवर्ड है वो वर्क नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अच्छा, एक काम करते हैं यहाँ पे, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे क्लास का इस्तेमाल करूँ और अब मैं चेक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें एट्रीब्यूट की जगह पे क्लास का इस्तेमाल करना है और हमारा जो कोड है उसके बाद में हमारा वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या किया इसने कि भाई जो मेरे पास क्लास थी, ठीक है, क्लास के ऊपर जो मेरे पास, अगर मेरे पास जो स्टार्ट हो रही है पीस है, अब देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर जो क्लासेस हैं मैं बढ़ा देता हूँ। लेट से मैंने एक का नाम दे दिया पैरा और एक का नाम दे दिया मैंने लेट से पी ए करके मैंने कुछ नाम दे दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया लोरेम 10। एंड देन मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिया और इसका जो मैंने क्लास है वो मैंने सिर्फ पी रखा है अभी इस टाइम पे, ठीक है, लोरेम 5 वर्ड दिया। अब देखो जैसे ही मैं सेव करूँगा ना तो क्या होगा, तमाम क्लासेस के ऊपर जो इफेक्ट है वो आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बताया हुआ है भाई कि जो मेरी क्लास पी से स्टार्ट हो रही है, लाइक जो पी जिसके अंदर मौजूद है वो जहाँ भी है उसके ऊपर मुझे स्टाइलिंग करके ला करके दिखा दो। अब देखो मैं इसको अगर यहाँ पे ये कर दूँ, पी ए कर दूँ, ठीक है, और पी ए करने के बाद यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला हुआ था कि अगर आपको दो वर्ड्स को टारगेट करना है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से करके टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पी ए किया, अब देखो लास्ट वाला जो मेरे पास एलिमेंट था उसके ऊपर से वो चीज़ गायब हो गई, ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी। अगर मैं यहाँ पे पहले वाले वर्ड को टारगेट करना चाह रहा हूँ, अगेन इसने क्या किया, सबको जो जिसके अंदर मेरी जो जितनी भी क्लासेस हैं अगर वो पी से स्टार्ट हो रही हैं या उसके अंदर पी का एक लेटर मौजूद है तो उनके ऊपर मुझे स्टाइलिंग करके ला करके ये दिखा देगा, बात समझ आ रही है जी वकास, क्लियर है। स्टूडेंट्स फुरकान आप काफ़ी लेट आए, खैरियत, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वैसे भी, तो क्लास के एंड में जो है आप थोड़ा सा रुक जाना, मैं आपको एक दफ़ा और ही करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे की तरफ और यहाँ पर जो बॉक्सेस का हमारा टॉपिक है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं आगे की तरफ, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता ही है कि भाई हम डिव्स वगैरह किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, बॉक्स की डायमेंशंस के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा, सही हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने सिंपल जो बताया हुआ है यहाँ पे, उन्होंने हाइट और विड्थ के बारे में बताया हुआ है जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। अच्छा, अब परसेंटेज के अंदर किस तरीके से हम हाइट और विड्थ को डिफाइन करते हैं हम ये भी देख लेंगे अपने पास, ठीक हो गया। अच्छा, और क्या है इन्होंने बताया हुआ है कि भाई लिमिटिंग विड्थ, मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ। अच्छा, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई हमारे पास जो मिनिमम विड्थ है और मैक्सिमम विड्थ है वो वर्क किस तरीके से करती है, ये वाली चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी जगहों पर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं अगेन, सही है, और डिव के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, लेट से एक पैराग्राफ ले लेते हैं और जो क्लास है लेट से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक सी ऊपर ले लेता हूँ H1, और इनपुट टाइप हम ले लेते हैं लेट से बटन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर और चेक कर लेते हैं कुछ दफा, तो इस तरीके से जो है एक हमारे पास कंप्लीट डिव बन गया है, ठीक है। अब मैं ऊपर आने के बाद जो मेरे पास स्टाइलिंग थी मैं उसको फिलहाल के लिए अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब
अगर आपको इस डिफ के अंदर इसकी हाइट और विड्थ बेसिकली सेट करनी है, तो मैं इसका जो नाम है लेट से मैं दे देता हूँ बॉक्स, ठीक है। इस करते हैं, अब मैं आता हूँ ऊपर, और अब मैं अगर इसकी जो हाइट और विड्थ सेट करना चाह रहा हूँ, लेट से जो मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कर दो 100 पिक्सल्स, ठीक है, और जो इसकी विड्थ है वो कर दो 100 पिक्सल्स। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा, मेरी जो हाइट और विड्थ है वो ऑलरेडी सेट हो गई, लेकिन आपको नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसका जो तो कोई बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे इस टाइम पे मौजूद नहीं है। तो अगर मैं इसका कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी जो डिस्क की जो हाइट और विड्थ है वो सेट हो गई है। बट अब हो क्या रहा है कि जो मेरी हाइट और विड्थ है वो बहुत छोटी हो गई है मेरे जो कॉन्टेंट है उससे भी ज़्यादा। तो मैं इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब सारा जो मेरे पास कॉन्टेंट है वो एक कंप्लीट डिस्क के अंदर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब लेट से अगर मुझे यही हाइट और विड्थ अगर मुझे देना है परसेंटेज की फॉर्म में, तो अब देखो जैसे कि ये मेरा एक पेज है कंप्लीट 100% के ऊपर मैं इसको लेकर आ गया हूँ। अब जो मेरा पेज है वो इस वक्त जो मेरे पूरे कंप्लीट ब्राउजर के पेज की जो विड्थ है वो है इस वक्त 100%, ठीक है। अब उस पेज के हिसाब से मैं देना चाह रहा हूँ इसकी विड्थ, सही है, बात समझ आ रही है। अब लेट से मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो इसकी हाइट है वो आप कर दो, अभी फिलहाल हम हाइट को नहीं छेड़ते, अभी हम लेट से अगर मैं विड्थ की बात करूँ यहाँ पर, तो मैं कह रहा हूँ कि जो एक्चुअल विड्थ है मेरे पास इस पूरे कंप्लीट बॉडी की, अगर ये 100% है, तो इसके हिसाब से मुझे लेट से 50% ला करके जो मेरा डिप है इसकी विड्थ को दिखा दो। तो देखो क्या होगा, मैं अगर आपको बड़ा करके दिखाऊँ, उसने क्या किया, इसने जो अपनी विड्थ है वो जो मेरा डॉक्यूमेंट है पीछे वाला, इसके हिसाब से 50% कर दी मेरी विड्थ। आपकी 50% किस रेफरेंस से हो रहा है, अगर आप बात करो तो ये जो आपका बॉडी है जो पूरी बॉडी आपकी पीछे वाली, ये इस टाइम पे 100% विड्थ के ऊपर है, और इसके रेफरेंस से मुझे यहाँ पे इसने ला करके दिखा दिया 50% मेरी विड्थ। बात समझ आ रही है? अच्छा, आवाज़ तो क्लियर है ना आप लोगों को मेरी, ये पहले मुझे बता दीजिएगा, और सेकेंडली मुझे ये बताओ कि ये क्लियर हुआ विड सेट की है वो किसके रेफरेंस से की है विड सेट। एक तो देखो हमने 50% विड की, तो उसने क्या किया कि 50% मुझे ला करके दिखा दी, ठीक है, लेकिन किसके रेफरेंस से। अगर मैं यहाँ पे लेट से मेरे पास कोई और डिव होता, ठीक है, और उस डिव की मैंने कोई एक विड सेट की भी होती, तो वो उस डिव की विड के अकॉर्डिंग मुझे ला करके दिखाता। अभी इसने क्या किया, जो 50% मुझे ला करके दिखाया है ना यहाँ पर, वो मैंने उसके हिसाब से लाकर के दिखाया है, ठीक है। तो इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और इसको मैं वापसी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हाइट भी मुझे यहाँ पे चाहिए 50%, तो ये क्या करेगा कि मुझे हाइट भी कुछ 50% ला के दिखा देगा, ये बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी हमारे पास। तो देखो उसने क्या किया कि मेरी जो हाइट है बेसिकली वो उसने 50% यहाँ पे सेट कर दी, ठीक है, जो बेसिकली मेरा जो डिप है उसके हिसाब से, ठीक हो गया। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, हाइट को भी रीड नहीं किया, क्या वजह थी, या इसने बेसिकली रीड कर लिया है, लेकिन हमें जो हाइट लगा के दिखा रहा है विद द रेफरेंस ये दिखा रहा है। एक सेकंड, अगर मैं इसको करूं लेट से, ठीक है, तो हम काम करते हैं, 30 मिनट लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हाइट मुझे लगा के ये दिखा रहा है अभी यहाँ पे कितनी है 50%, मैं इसको थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास कंटेंट है सारा वो इस टाइम पे इसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको हाइट देनी है ना, तो आपने क्या करना होगा कि या तो कोई आप रेफरेंस बना लो इसका, ठीक है। अभी इस टाइम पे रेफरेंस हमारे पास जो हाइट है उसका अभी फिलहाल बॉडी रेफरेंस है, ठीक है। तो ये बॉडी रेफरेंस को इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल बॉटम पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफाइन करता बिल्कुल टॉप पे, तो ये फिर उस टाइम पे बहुत अच्छे से जो है ये वर्क करता, ठीक है। अब लेट से अगर मैं इसको यहाँ पे 500 पिक्सल्स ही रहने दूँ, तो ये इसको ज़्यादा अच्छा रीड करेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज। तो आपने ये चीज़ें ख्याल रखनी है, क्योंकि देखो विड्थ उसको यहाँ पे बॉडी के हिसाब से मिल जा रही है, बट हाइट, क्योंकि देखो हाइट उसने 50% क्यों नहीं की, क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पे जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, और जो आपकी हाइट है सवत, यानी कि जो आपकी जो हाइट है वो कोई डिफाइन नहीं हुई भी, उस पर आपके पास स्क्रॉल का जो इफेक्ट है वो आ रहा है, बात समझ आ रही है। तो एक कंप्लीट आपकी हाइट सेट नहीं है, इस वजह से जो है उसने बाय डिफॉल्ट परसेंटेज के अंदर उसको रीड
नहीं किया, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, आपको अगर मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ का डिफरेंस समझना है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट के ऊपर हम सबसे पहले सर्च करते हैं। अगर मुझे यहाँ पे W3 स्कूल के ऊपर कोई एग्जांपल मिल जाती है देन आप लोगों को उससे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। चल तो अगर मुझे यहाँ पे कोई एग्जांपल मिल जाए ना, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कोई एग्जांपल ऐसा बताई भी नहीं है, बट हम इसको एक दफ़ा यहाँ पे रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना जो आपके पास मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का जो कीवर्ड है, ज़्यादातर वो आपके पास इस्तेमाल होता है आपकी रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहे हो मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए देन आप यहाँ पर मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। यूजुअली जब हम अपने पास मीडिया क्यूरीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइक हम मीडिया क्यूरीज लगा रहे होते हैं, देन हम वहाँ पर मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा अभी इन्होंने यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि सम पेजेस डिजाइंड एक्सपेंड एंड श्रिंक टू फिट द साइज ऑफ द यूजर स्क्रीन इन सच डिजाइन द मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्मॉलर साइज अ बॉक्स कैन डिस्प्लेड एट व्हेन द ब्राउजर विंडो इज नैरोड एंड द मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी इंडिकेट्स द मैक्सिमम विड्थ अ बॉक्स कैन स्ट्रेच टू व्हेन द ब्राउजर विंडो इज वाइड। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई जैसे नाम से डिफाइन किया जा रहा है कि भाई मिनिमम विड्थ कब वर्क करेगी, जब आप अपने ब्राउजर की जो विंडो है उसको छोटा करोगे, छोटा करके उस साइज तक ले आओगे जहां तक आपने डिफाइन किया हुआ है, तो ये वहां तक आकर के स्टॉप हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स सी। अच्छा आवाज कट रही है, ठीक है, तो अब आप मुझे देख के बताना अगर आवाज क्लियर है। अच्छा बाकियों को आवाज क्लियर आ रही है या सबके पास जो मेरी आवाज है वो कट के जा रही है? काइंडली मेरे पास सारे जो है मुझे एक दफा बता दें ताकि अगर मसला आएगा तो मैं आपको देख लूँ। आवाज सही आ रही है मेरी, क्लियर है? अच्छा फिर वकास आप जो है अपने पास तब चेक कर लो, हो सकता है कि जुगाड़ हो आपके पास, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या समझा रहा था, हाँ मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ के बारे में समझा रहा था। तो करेगी आपके पास कि भाई जब आपकी लेट से अगर ये ब्राउजर की विंडो है, मैं तो छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा करके मैं इतना छोटा कर रहा हूँ कि भाई लेट से मैंने मोबाइल की स्क्रीन तक छोटा कर दिया, ठीक है। तो मेरी मिनिमम विड्थ मुझे बताएगी कि मुझे कहाँ पर आकर के अपनी विड्थ को रोकना है, यानी कि मैं कितना छोटा करना चाह रहा हूँ और छोटा करने के बाद जो मेरी विड्थ है वो कहाँ पर आके रुक जाए। इसी तरीके से जो मेरी मैक्सिमम विड्थ है, यानी कि अगर मैं अपने ब्राउजर की जो स्क्रीन है विंडो की अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ तो कहाँ तक मैक्सिमम विड्थ उसकी जानी चाहिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और आप लोगों को आकर के दिखाऊँ, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक डिब है, ठीक है, इसी के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ। अभी इस टाइम पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मेरा डॉट बॉक्स है, ठीक है, इसकी जो मिनिमम विड्थ है वो होनी चाहिए लेट से 200 पिक्सल्स, ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो होनी चाहिए लेट से 500 पिक्सल्स, यानी कि जब मैं अपनी स्क्रीन छोटी करूं तो जो 200 पिक्सल्स है यहाँ पर आकर के इसकी विड्थ रुक जाए, इससे ज़्यादा छोटी ना करने दे इसको। मैं अपने और डॉक्यूमेंट के ऊपर आने के बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास जो डिव है वो ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स में हम लगा लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो, ठीक हो गया। देखो अभी क्या है, मेरी जो ब्राउजर की स्क्रीन है वो इस टाइम पे 100% के ऊपर है, तो इसने अपने आप को कितना स्ट्रेच किया हुआ है, 500 पिक्सल्स। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, और मैं इतना छोटा कर रहा हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो कुछ यहाँ तक आने के बाद रुक जा रही है, ठीक है। देखो मैंने छोटा किया इसको, अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा ये, ठीक है। अब जैसे ही मैं बड़ा करूँगा तो देख रहे हो आप लोग, इसके साथ साथ इसकी विड्थ थोड़ी सी बड़ी, देखो छोटा किया छोटा किया छोटा किया छोटा किया यहाँ पर आके रुक गया, अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा ये, ठीक है। देखो जैसे ही बड़ा करूँगा थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसकी विड्थ बड़ी 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 बढ़ने के बाद यहाँ पर आके रुक गई, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही, ठीक है।
ये हम इसको बेसिकली बोलते हैं मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। अब अगर लेट से इसकी जो मिनिमम विड्थ है, अगर मैं इसको कर दूँ लेट से 100 पिक्सल्स के ऊपर, तो अब देखना जैसे ही मैं इसको छोटा करना शुरू करूँगा, छोटी हुई छोटी हुई छोटी हुई और फिर 100 पिक्सल्स पे आके रुक गई। इसी तरीके से जैसे मैंने बड़ा किया, इसने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद मुझे इसकी जो विड्थ है वो ला करके दिखा दी। बात समझ आ रही है? कैन बी डायरेक्टली यूज मिनिमम मैक्सिमम विड्थ एंड हाइट ऑन द बॉडी। देखो बॉडी के ऊपर ना डायरेक्टली आप ना जब भी अपने पास स्टाइलिंग कर रहे होते हो ना, या फिर अगर आपकी बात करो रिस्पॉन्सिवनेस की, रिस्पॉन्सिवनेस हम बेसिकली बोलते हैं कि हम मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर अपना व्यू चेक कर रहे होते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास और मैं इसको चाह रहा हूँ कि भाई मैं मोबाइल के ऊपर देखूँ कि भाई मेरी जो स्क्रीन है वो किस तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है ना, तो यहाँ पर मेरे पास लेट्स से मैं देख रहा हूँ आईफोन 12 प्रो के ऊपर कि भाई किस तरीके से दिखता है। तो देखो मेरी जो बेसिकली डिज़ाइनिंग की स्क्रीन है वो मोबाइल के ऊपर कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, जो कि एक बहुत बुरा व्यू है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ स्टाइलिंग इसके लिए की नहीं है कि रिस्पॉन्सिव बन जाए। ठीक है, तो अब अगर आप बॉडी के ऊपर डायरेक्टली लगा दोगे ना, तो क्या होगा कि बॉडी तो ऑटोमेटिकली अपने आप को कर रही है एडजस्ट। ठीक है, देखो ये जो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ एंड देन मैं इसको यहाँ पे कंप्रेस कर रहा हूँ, ये आपकी बॉडी डायरेक्टली खुद ब खुद जो है अपने आप को कर रही है। अगर आप डायरेक्टली बॉडी पे लगा दोगे ना, तो फिर वहाँ पे एडजस्टमेंट बहुत ख़राब हो जाएगी। बात समझ आ रही है मेरी? लाइक आपने मेरी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया, बॉडी अब इटसेल्फ अपने आप खुद रिस्पॉन्सिवनेस पे नहीं आ रही। हाँ, अगर आप ये चाह रहे हो कि यार मैं बॉडी के ऊपर डायरेक्टली स्टाइलिंग करूं और मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई जो मेरा मेरी जो बॉडी है बैकग्राउंड कलर है, इस तरीके से आप करके प्रॉपर्टीज अपनी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर बॉडी के ऊपर कोई बैकग्राउंड कलर दूंगा तो यहाँ से फिर मुझे इसकी जो कलरिंग है इफेक्ट की वो हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं काम कर लेता हूँ कि यहाँ से इस कलर कोड को अच्छी कर देता हूँ। हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है वो लेकर आ सकते हो। बट कभी भी ना डायरेक्टली मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ बॉडी पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि बॉडी अपने आप को जो है ना डायरेक्टली एडजस्ट कर रही होती है खुद ब खुद। ठीक है, अगर आपको देखो अब हो क्या रहा है कि देखो मैं ये जो स्ट्रेच कर रहा हूँ ना, ये बॉडी को कर रहा हूँ स्ट्रेच, आपका जो डिव है, डिव जो है स्ट्रेच नहीं हो रहा, डिव खाली छोटा होके अपनी जगह पे या तो छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो आप ये, तो आप बेसिकली डिव्स वगैरह के ऊपर ही लगाते हो मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो बुक के ऊपर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर थोड़ा सा इनको देखूँ कि भाई इन्होंने और क्या मजीद चीज़ें बताई हुई हैं, तो भाई इन्होंने कहा हुआ है कि भाई जो आपके पास इन्होंने टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी सेट की हुई है लेफ्ट और पैडिंग ऐड की हुई है। अच्छा, पैडिंग और मार्जिन के बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट भी जो है वो सेम उसी तरीके से काम करती है। ठीक है, जिस तरीके से आपकी विड्थ काम कर रही है, अगर मैं यहाँ पे इसको मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट दूँ, मैं बोलूँ कि भाई मिनिमम हाइट मेरे पास होनी चाहिए 600 पिक्सल्स और जो मेरे पास मैक्सिमम हाइट है वो होनी चाहिए लेट से 1000 पिक्सल्स। सेव कराऊंगा और सेव करके अपने ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा एंड देन जैसे ही मैं छोटा करूँगा इसको, तो जो मेरी हाइट है बेसिकली इससे ज़्यादा छोटी नहीं होगी। ठीक है, अरे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और मज़ीद इन डेप्थ देखूँ कि भाई आपके पास जो हाइट का एलिमेंट है वो एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है, तो भाई इन्होंने भी सारा टेक्स्ट में वही सारी बात बताई हुई कि अगर आपके पास यहाँ पर ओवरफ्लो आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास जो मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके पास हेल्पफुल होती है। इन द सेम वे दैट यू माइट वॉन्ट टू लिमिट द विड्थ ऑफ द बॉक्स ऑन द पेज, यू मे ऑल्सो वॉन्ट टू लिमिट द हाइट ऑफ इट। दिस इज अचीव्ड यूजिंग द मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टीज। द एग्जाम्पल ऑन दिस पेज डेमोन्स्ट्रेट दीज प्रॉपर्टीज इन एक्शन। इट ऑल्सो शोज यू वॉन्ट यू वट हैपन वैन द कॉन्टेंट ऑफ द पेज बॉक्स टेक्स अप मोर स्पेस देन द साइज स्पेसिफाइड टू द बॉक्स। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि भाई अगर आपने कॉन्टेंट इतना सारा ऐड कर दिया है अपने पेज के अंदर, ठीक है, और उसकी जो विड्थ या हाइट है उससे बाहर आ रहा है,
अब वहां पर आप मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट का भी यूज कर सकते हो उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर देखा था अपने पास बॉडी के ऊपर कि जब मैंने डिस्क के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक बिट सेट की थी, 100 पिक्सल्स की या कुछ भी सेट की थी, तो आपने देखा था कि कंटेंट बाहर आ रहा था और जो मेरी जो बैकग्राउंड का जो विड्थ थी डिस्क की वो छोटी हो गई थी। तो ये जो आपके पास मैक्सिमम विड्थ का जो ऑप्शन है ना, ये फिर उसको उस टाइम पे कंट्रोल कर लेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और आपकी जितनी भी एलिमेंट्स है कॉन्टेंट की वो उसको अपने अंदर बाय डिफॉल्ट एडजस्ट करके सेव करवा लेगा। ठीक है, यही बात इन्होंने यहाँ बताई भी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो बेसिकली अभी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस करना था, वो डिस्कस करना था आपको पैडिंग से बारे में और मार्जिन के बारे में। ठीक है, तो पैडिंग और मार्जिन के बारे में हम इतना और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, लेट से यहाँ पर मेरे पास एक डिव है और इस डिव के अंदर मल्टीपल कंटेंट है। ठीक है, तो मैं और एक बात ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, देखो एक बात याद रखना है कि जो आपके पास पैडिंग होती है ना, पैडिंग होती है किसी भी एलिमेंट के अंदर की स्पेसिंग। ठीक है, इसको आपने गौर से समझना है ताकि आप लोगों को ये सारी बातें ना क्लियर हो एट अ टाइम। अब देखो मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर ब्राउजर के पेज को जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमने इसको कर लिया है जूम और थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो मेरे पास यहाँ पर टाइप बटन है, सही है, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ पैडिंग ऐड करना और पैडिंग लेट से मैं चाह रहा हूँ 10 पिक्सल्स की ऐड करना। ठीक है, अब देखना जैसे ही मैं सेव करूँगा, आपने देखा लेफ्ट साइड पे जो मेरा बटन था उसके अंदर की जो स्पेसिंग है वो हर तरफ से इक्वलाइज बढ़ गई, यानी कि फ्रॉम द टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट हर तरफ से 10 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूँ इसको मज़ीद, तो लेट्स से आपके पास ये एक कंप्लीट बॉक्स है। ठीक है, और इसी तरीके से ये एक और बॉक्स है आपके पास। ठीक है, ये दो बॉक्सेस हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, लेट्स से यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, चाह रहा हूँ कि यार इसके ऊपर साइड में नीचे और राइट पे स्पेसेस ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पैडिंग का। ठीक है, जैसे मैं पैडिंग का यूज़ करूँगा उसके फौरन बाद क्या होगा कि जो मेरा बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और अंदर की जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे पास उन सब में थोड़ी बहुत स्पेसिंग इस तरीके से करके ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें मार्जिन की, मार्जिन क्या करता है, लेट्स से आपके पास यहाँ पर वही सारे एलिमेंट्स लाइक टेक्स लिखा हुआ है। अब अगर मैं मार्जिन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मार्जिन क्या करेगा कि जो आउटर स्पेसिंग है, लेट्स से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसके पूरे बाहर की साइड से जो स्पेसिंग है वो मुझे ला करके दिखाएगा। ठीक है, लेट्स से अभी मेरे पास यहाँ पर दो बॉक्सेस थे इस तरीके से, एक और बॉक्स था मेरे पास और यहाँ लेफ्ट पे भी एक बॉक्स था। जैसे ही मैंने यूज़ किया मार्जिन का, उसके फौरन बाद क्या हुआ कि जो बॉक्सेस थे बराबर वाले उन सब में स्पेसिंग आ गई और वो चले गए थोड़ा थोड़ा दूर। ठीक है, ये वाला जो बराबर वाला होगा ये भी थोड़ा सा दूर चला जाएगा और इसके ऊपर भी अगर कोई एलिमेंट रखा हुआ है तो वो भी इतनी ही स्पेसिंग से, जितनी स्पेसिंग यहाँ पे ऐड हुई है इतनी ही स्पेसिंग से वो भी यहाँ पे ऊपर के साइड पे मूव कर जाएगा। बात समझ आ रही है? और इसी तरीके से बॉटम पर भी ये इफेक्ट आएगा मेरे पास। ये वाली बात सब कुछ समझ में आई जी स्टूडेंट्स? बताएं फुरकान, वकास, कमल, आप लोगों को ये वाली बात समझ आई मार्जिन की और पैडिंग वाली? देखिए इसको अप्लाई करके भी देखेंगे, आप लोग परेशान ना हो, बट अभी ये कि मैंने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया है कि भाई मार्जिन के अंदर और पैडिंग के अंदर जो है वो बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ अप्लाई और विंडो पे आ जाते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे बेसिकली ऐड की है पैडिंग,
ठीक है, टाइप जो बटन है इसमें मैंने क्या ऐड किया है, पैडिंग ऐड की है और 10 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि जो इसका कलर है ना वो ज़रा सा मज़ेदार नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सवाल है हमारे पास, मार्जिन की समझ आ गई लेकिन पैडिंग से क्या होता है, क्या डिफरेंस है मार्जिन से। देखो मैं यही तो बात बता रहा हूँ आपको, अब मैं इसको पर यहाँ पे क्या किया मैंने, मैंने कीवर्ड है पैडिंग, इसका मैंने यूज़ किया हुआ है। अगर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, और मैं सेव करता हूँ, तो देखो जो मेरे पास बटन था इसके अंदर की जो स्पेसिंग है वो सारी गायब हो गई। ये बात समझ आ रही है? अब जैसे ही मैं अपने पास जो पैडिंग है इसको जैसे ही मैं लगाऊंगा, तो जो इंटरनल स्पेसिंग है मेरे पास बॉक्स की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेम बॉक्स पे मार्जिन देना चाह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे मार्जिन लाके दिखा दो 100 पिक्सल का, तो देखो इसने क्या किया, टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम से मुझे स्पेसिंग ला करके दिखा दी 100 पिक्सल। बात समझ आ रही है? ये काम होता है आपका मार्जिन का। अगर मैं मार्जिन को 10 पिक्सल्स दूंगा तो इसने क्या किया कि लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम इन चारों साइड से मुझे 10 पिक्सल्स की जो स्पेसिंग है वो ला करके दिखा दी बाहर की साइड से। इसका काम अब ये होता है कि देखो अगर आप कभी भी एलिमेंट आपके पास बटन है और आपके चारों के यार बटन के अंदर स्पेसिंग थोड़ी सी ऐड हो जाए, क्योंकि आपके पास बहुत मिक्सअप हो रहा है लाइट से आपके पास ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे पैडिंग हटाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि आपका जो बटन है वो थोड़ा सा मतलब मज़ेदार फीलिंग नहीं दे रहा आपको। आप क्या करोगे कि यार थोड़ी सी स्पेसिंग इसमें ऐड करवा दोगे, तो उस स्पेसिंग को ऐड करवाने के लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हो पैडिंग का। और अगर आपको मार्जिन ऐड करवाना है, देखो कॉपी या पेंसिल कॉपी वगैरह के ऊपर जब भी आप काम कर रहे होते हो तो आप लेफ्ट साइड पे हमेशा एक मार्जिन ड्रॉ करते हो, ठीक है, और फिर वहां से आप काम करना स्टार्ट करते हो। तो जब आप मार्जिन ड्रॉ करते हो तो थोड़ी सी आप स्पेस देने के बाद ड्रॉ करते हो, ठीक है। ये वाली बात तो सबको पता ही होगी यूजुअली, अगर मैं यहाँ पे पेंट पे आऊँ और आप लोग सबने पेपर दिया होगा, लेट से आके पास ये कुछ पेपर है कि लाइन्स यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देना है मार्जिन, आप एक मार्जिन लगाते हो ना, तो आप थोड़ी सी स्पेस दे करके लगाते हो। अपने जिसने पेपर दिया है उसने यहाँ पे बचपन में कभी ना कभी इस तरीके से मार्जिन लगाया होगा, और फिर आपने यहाँ से काम करना स्टार्ट किया होगा अपना जो भी काम है। तो ये आपने जो मार्जिन लगाया है ये आपने एक स्पेस देने के बाद लगाया है लेफ्ट साइड से। यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एक मार्जिन का यूज़ किया 10 पिक्सल्स, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्जिन जब आप यूज़ करते हो 10 पिक्सल्स, तो ये टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट हर तरफ से आपके पास स्पेस ला करके आपको दिखा देता है, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यार मैं हर तरफ से स्पेसिंग नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे पास लेफ्ट साइड से मार्जिन आए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन, और यहाँ पे देखो इसने मुझे चार प्रॉपर्टीज खुद ब खुद डिफाइन कर दी, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड देन राइट। बट इस टाइम पे मैं चाह रहा हूँ कि यार सिर्फ लेफ्ट के ऊपर 10 पिक्सल्स का जो मेरे पास मार्जिन है सिर्फ वो आए, तो देखो क्या हुआ कि सिर्फ लेफ्ट से 10 पिक्सल्स का मेरे पास मार्जिन आ गया, टॉप बॉटम और राइट से हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही बटन है तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, मैं अगर इसकी एक और इनपुट फील्ड ले आऊँ बटन की, अब देखो मैं ये लेकर आ गया, सही है। अच्छा, अब एक चीज़ होती है आपके पास बाय डिफॉल्ट ना, आपका जो ब्राउज़र है वो कुछ स्पेसेस ले रहा होता है। मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करूँ और इसको 100% पे लेकर आऊँ और आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउज़र ना, अगर आप लेफ्ट साइड से गौर से देखो तो कुछ स्पेसिंग ले रहा है, टॉप पर देखो कुछ स्पेसिंग ले रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमें ना ये सारी स्पेसिंग नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि यार मेरे पास टॉप पे लेफ्ट राइट पे बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के पास है, मुझे स्पेसिंग नहीं चाहिए, मैं अब जो अपनी स्पेसिंग है सिर्फ वो करना चाह रहा हूँ ऐड। तो उसके लिए क्या करते हो कि भाई आप बोलते हो इसको कि भाई आपके पास जो बॉडी है उसके ऊपर जो मार्जिन लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट उसको आप कर दो 0, और आपके पास जो उसमें पैडिंग लगी हुई है बाई डिफॉल्ट उसको भी आप कर दो 0। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा, देखो इसने क्या किया कि मेरे पास जितने भी मार्जिन वगैरह था सारा कुछ हटा दिया, पैडिंग वैडिंग जितनी भी थी सारी बाई डिफॉल्ट हटा दी, ठीक है। अब अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो इसने बेसिकली टॉप से नहीं हटाया, तो इसके लिए एक और आसान हल क्या है कि यहाँ पर एक कीवर्ड आता है स्टेरिक का, ठीक है, ये स्टेरिक अगर आप लगाओ और स्टेरिक लगाने के बाद इसके अंदर अब मैं जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा वो ओवरऑल इस पूरे पेज के लिए होंगी, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मार्जिन दे रहा हूँ 0
और मैं दे रहा हूँ पैडिंग दे रहा हूँ मैं लेट से यहाँ पे 0, तो ये जो पैडिंग और मार्जिन है ये अप्लाई होगा पूरे पेज के लिए। देखो इसने यहाँ से भी पैडिंग हटा दी, ऊपर से भी मार्जिन हटा दी और पैडिंग हटा दी लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो मुझे इसको बॉडी में अब देने की ज़रूरत नहीं है। यूँ समझ लो कि जो आपका स्टेरिक अगर आप डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हो तो ये एक यूनिवर्सल ऑपरेटर है जो कि आपके कंप्लीट पेज के ऊपर स्टाइलिंग करके लाके दिखाएगा। अब अगर इसके ऊपर मैं लेट से यहाँ पे कुछ भी दे दूँ, बैकग्राउंड कलर एक्वा दे दूँ, तो फिर क्या करेगा ये कि मुझे पूरे जो मेरे बॉडी है उसके ऊपर मुझे बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से ला करके दिखाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है जी स्टूडेंट्स? ये वाली जो मेरी बात थी ये आपको समझ में आई? क्योंकि अब देखो जब भी हम स्टाइलिंग करेंगे ना एक्सटर्नल, तो हम इंटरनल स्टाइलिंग के ऊपर है, लेकिन जब भी हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग करेंगे तो उसके ऊपर ये हम हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि यार टोटल जो आपके पास पेज है पूरा कंप्लीट, इसके ऊपर जो मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट हमने ऐड तो सर नहीं की हुई, लेकिन जो ब्राउजर हमें बाय डिफॉल्ट दे रहा है उसको हम करना चाह रहे हैं रिमूव। तो बॉडी क्या है, बॉडी सिर्फ उस बॉडी के एलिमेंट के अंदर से मुझे हटा के ला के दिखाएगा, लेकिन अगर बॉडी की हम बात करें थोड़े से ऊपर टैग की, तो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट बॉडी के ऊपर भी कुछ स्पेसिंग आ रही थी मेरे पास। तो मैं चाह रहा हूँ क्या, मेरे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर पे ना तो स्पेसिंग आए मेरे पास और ना ही मेरे पास पैडिंग आए बाय डिफॉल्ट, तो उसने सारी स्पेसिंग हर तरफ से देखो हटा दी, देख रहे हो बाय डिफॉल्ट। अब देखो यहाँ पर हम आ गए वापसी अपने इस वाले पेज के ऊपर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार मेरे पास यहाँ पर जो बटन है इसकी मैं कोई क्लास दे रहा हूँ सबसे पहले, तो ठीक है या चलो क्लास नहीं दे रहे हम डायरेक्टली यहाँ पे, हमने क्योंकि इसको टाइप को डिफाइन किया हुआ है बटन, तो यहाँ पे डायरेक्टली वर्क करेगा। सही है, अच्छा देखो, तो अब आप एक चीज़ बोल रहे होगे कि यार मेरे पास लेफ्ट साइड पे जो सब का बटन है एस यू बी वाला जो बटन है, इसके पास भी लेफ्ट साइड से कुछ स्पेसिंग आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? देखो टाइप आपने क्या डिफाइन की हुई है, बटन। अब जितने भी बटन होंगे इस टाइप के उन तमाम के ऊपर वो मार्जिन लेफ्ट की स्टाइलिंग ला करके मुझे दिखा देगा। अब लेट से मेरे पास यहाँ पर एक बटन तो है, लेकिन इसकी टाइप अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो स्पेसिंग हट गई यहाँ से, लेकिन इसको क्लास के सब टारगेट करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो, वरना होगा ये कि यूनिवर्सल स्टाइलिंग जो है ना वो सब पे अप्लाई होती रहेगी। क्लास मैंने यहाँ पे लेट से दे दी BTN दोनों को, और यहाँ पे मैं आने के बाद नीचे, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यार डॉट BTN जो है इसके अंदर जो मार्जिन लेफ्ट है वो मुझे लेट से दे दो 20 पिक्सल। देखो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ, मुझे ला करके नहीं दे रहा, क्लास हमने रखी है डॉट BTN। अगर मैं यहाँ पे इनपुट करके टारगेट करूँ तो अब होपफुली ये मुझे लाके दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो हमने किस तरीके से टारगेट किया कि आपके पास जो इनपुट का जो टैग है या इनपुट की जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो डॉट BTN की क्लास है उसको आप जो मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी है वो ला करके दिखा दो कितनी 30 पिक्सल्स। ठीक है, और ऊपर अब मैं आता हूँ और जो मेरे पास यहाँ पे मार्जिन है इसको मैं बाय डिफॉल्ट हटा देता हूँ, तो देखो मेरे पास से जो सब के ऊपर जो मार्जिन था SUB वाला सब था उसके ऊपर जो मार्जिन था वो अब हट गया यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो इनपुट के अंदर एक क्लास है लेट से BTN1 के नाम से, इसका जो मार्जिन लेफ्ट है ये मुझे ला करके दिखा दो कितना, देख रहे हो क्या किया सर कि बराबर से 100 पिक्सल्स की स्पेसिंग मुझे ला करके दिखा दी। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर मैं ऊपर वाले को भी 100 पिक्सल दे दूंगा तो ये दोनों आपस में एक ही जगह पे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? तो मैंने वापसी 30 पिक्सल्स पे कर दिया और इसको मैंने वापसी 100 पे कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ यार पैडिंग ऐड करवाना BTN1 के अंदर। मैंने बोला कि यार पैडिंग ऐड कर दो मेरे पास कहाँ से, बॉटम से ऐड कर दो 100 पिक्सल्स। अब सिर्फ मेरे पास जो पैडिंग ऐड होगी वो होगी बॉटम से, देख रहे हो अंदर की जो स्पेसिंग है वो बढ़ गई 100 पिक्सल्स।
तरीके से अगर मैं बोलूं कि यार पैडिंग ऐड करनी है मुझे टॉप से 50 पिक्सल, तो देखना टॉप से 50 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड, ये बात समझ आ रही है। अगर मैं इसी तरीके से ऊपर वाला जो मेरे पास BTN है सिर्फ, इसके अंदर भी मैं बोलूँ कि भाई पैडिंग ऐड कर दो हर जगह से, तो देखो उसने क्या किया, हर तरफ से 100 पिक्सल्स की जो पैडिंग है लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम ऐड करके दिखा दी। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको भी 100 कर दूँ तो दोनों एक ही साइज पे आ जाएंगे। और ये बेसिकली आगे पास एक कंप्लीट बटन है, ठीक है, और इसको हमने बेसिकली क्लास दी हुई एक्टिव, सॉरी फोकस, सॉरी हाँ एक्टिव दी हुई है, तो शायद सही है। स्टूडेंट्स यहाँ तक सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हम लोग बटन में स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल वकास, ऐसा ही है, हम जो है बेसिकली बटन सेट करवा रहे हैं और बटन के बाहर स्पेस ऐड करवा रहे हैं। बाहर की अगर मुझे स्पेस चाहिए होगी तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मार्जिन का यूज़ करूँगा। अगर मुझे अंदर की स्पेसिंग ऐड करवानी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एडिंग का यूज़ करूँगा। ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना ज़रूरी था आप लोगों के लिए, तो मैंने ये समझा दी है। अब भी अगर कोई इशू है तो आप लोग मुझसे दफ़ा पूछ लें, अगर आप क्लियर हो गया तो काइंडली थोड़ा बता दें कि आप लोगों को क्लियर है सारी चीज़ें। जी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ तक? जी वकास और फुरकान कवल, यहाँ तक आप लोगों को मार्जिन का और पैडिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया? देखिए एक्नॉलेज करें ताकि पता लगता रहे कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही है, अदरवाइज तो मैं समझूंगा कि आप लोग सो रहे हैं घर पे बैठ के क्लास के अंदर। ठीक है क्लियर है? हाँ देखो पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल आप पैडिंग यूज कर सकते हो, कि अगर आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसकी क्लास है पैराग्राफ, ठीक है। अब देखो मैं करके दिखा देता हूँ एक दफा आपको ताकि क्लियर हो जाए। पहला पैराग्राफ है हमारे पास, पहला वाला है ना, ठीक है, तो पहला वाला पैराग्राफ है, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कुछ पैडिंग ऐड करवाना। तो देखो ऐड हो गई पैडिंग, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपके पास इसने स्पेस मुझे ला करके दिखा दी इसके अराउंड, ठीक है। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप पैडिंग और मार्जिन से खेल सकते हो इजीली, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा ओवरफ्लो का जो इफेक्ट है हमने वो ऑलरेडी देख लिया था, हमारे पास जब ओवरफ्लो आया था हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो आ रहा है, जैसे अभी हमारे पास आ रहा है ओवरफ्लो कौन से एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि यार जो मेरे पास ओवरफ्लो है वो मेरे पास हाइड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा। अच्छा इन्होंने जो ओवरफ्लो ऐड किया हुआ है, इन्होंने जो कराया हुआ है ओवरफ्लो, वो किसी भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर कराया हुआ है ना। देखो अब लेट से यहाँ पर एक डिव है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आपने ऐड करवा दी हैं, तो उसके अंदर एक स्क्रॉल का इफेक्ट आ जाएगा। जैसे हमने देखा था जब हमने आई फ्रेम्स पढ़ा था, तो आई फ्रेम्स में क्या हुआ था, कोई याद है, कोई मुझे बता सकता है कि जो हमारे पास आई फ्रेम्स हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं? चलो ये एक टेस्ट है आप लोगों का, एक क्वेश्चन मैंने पूछा, अब मैं देखता हूँ कि किस किस को जो है वो याद है चीज़ें। जी स्टूडेंट्स मैं पूछ रहा हूँ कि जो हमारे पास एक टैग होता है आई फ्रेम्स के एचटीएमएल के अंदर, उसका हम क्यों यूज़ करते हैं? ये तो सही है, आपने सही कहा वकास, कि स्क्रॉल का जो इफेक्ट है वो हम ओवरफ्लो से हाइड करते हैं। बट मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि जो आई फ्रेम्स है उसका हम क्यों यूज़ करते हैं? अच्छा तो फुरकान ने हमें जवाब दिया है कि टू इंक्लूड अदर वेबसाइट्स टू आवर वेबसाइट, ठीक है, तो इनका जवाब बिल्कुल सही है कि अगर हमें कोई और वेबसाइट या कोई और पेज, कोई भी पेज हो सकता है वो हमें, या मैप यूजुअली होता है हमारे पास, उसको अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर शो कराना है पूरा कंप्लीट, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई फ्रेम्स का HTML के अंदर, और वो हमारे पास एक प्रॉपर स्क्रॉलिंग का इफेक्ट हमारे पास आ जाता है, जस्ट लाइक अ कंप्लीट हम उसको वहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इन्होंने कुछ इसी तरीके से दिखाया हुआ है। अब इसके इफेक्ट को अगर हमें ख़त्म करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ उसको कि ओवरफ्लो, और मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या हिडन। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, इसके ऊपर से क्या हुआ,
ये जो स्क्रॉलिंग का इफेक्ट था वो सारा गायब हो गया। अब मैं अपने पेज को स्क्रॉल वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहा, सही है अभी। लेकिन मुझे यहाँ पे वाई एक्सेस के ऊपर स्क्रॉल का इफेक्ट चाहिए, तो अब देखो मेरे पास स्क्रॉल का इफेक्ट आ गया। अब मैं इजीली जो है वो स्क्रॉल कर सकता हूँ अपने पेज को, ठीक है। ये तो बहुत आसान सी चीज़ थी कि भाई अगर हमें ओवरफ्लो हटाना है तो हम किस तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर की कि भाई अगर मुझे यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर चाहिए तो मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ, सही है। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं और उन बॉक्सेस के अंदर इन्होंने कुछ बॉर्डर्स वगैरह को ऐड कराया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भाई, अच्छा बॉर्डर सबसे पहले हम ऐड करवाते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर, ठीक है। ये वाला सपोज आपके पास एक डिव है, इस पे आपने करवाना है बॉर्डर ऐड। तो बॉर्डर आपको चाहिए लेट से ब्लैक के अंदर, और बॉर्डर आपके पास हो लेट से ब्लू वन पिक्सल सॉलिड एंड देन ब्लैक, ठीक है। इस कलर का आपको यहाँ पर एक बॉर्डर चाहिए, बट 1 पिक्सल्स बहुत कम है, 10 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एक बॉर्डर ला करके यहाँ पे देख रहे हो, एक आपको बॉर्डर ला के दिखा दिया। अब अगर मैं ब्लैक के बजाय यहाँ पर ऐड करवा दूँ फॉर एग्जांपल ब्लू, तो यहाँ पे मेरे पास ब्लू बॉर्डर आ जाएगा। अब देखो बॉर्डर की जो विड्थ है ना, मैंने एक ही लाइन में डिफाइन कर दी, और बॉर्डर की प्रॉपर्टी और कलर तमाम चीज़ें मैंने क्या की एक ही लाइन में डिफाइन कर दी। कैसे, अब इसको गौर से समझना। बॉर्डर का कीवर्ड आपके पास आता है स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। अब कितनी विड्थ चाहिए मुझे बॉर्डर की, मैंने बता दी लेट से मुझे यहाँ पे 10 पिक्सल्स की बॉर्डर की विड्थ चाहिए। बॉर्डर की जो स्टाइलिंग है लेट से यहाँ पे क्या है सॉलिड, अगर सॉलिड के बजाय यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ डॉटेड, ठीक है। डॉटेड की भी प्रॉपर्टी होती है आपके पास, तो अब क्या होगा कि देखो डॉटेड मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, और साथ में कलर क्या रखा मैंने ब्लू। इसी तरीके से डॉटेड के बजाय मेरे पास यहाँ पे डैश भी प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे ही मैं ऐड कराऊंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यानी कि मैंने एक ही लाइन में इसकी विड्थ और बॉर्डर की टाइप और एंड देन कलर, इन तीनों को मैंने एक ही लाइन में प्री डिफाइन कर दिया। देखो अब यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर विड्थ करके अलग से डिफाइन किया हुआ है, इसी तरीके से बॉर्डर की विड्थ ठीक हो, और इन्होंने अलग अलग एक्स वाई लेफ्ट और राइट, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट करके उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक और चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो पैडिंग या फिर मार्जिन, इसकी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। चार प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ ले कि भाई पैडिंग और मार्जिन की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आपने बोलना है भाई चार, टॉप लेफ्ट राइट एंड देन बॉटम, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने यहाँ पे पैडिंग ऐड करी हुई थी कितनी 100 पिक्सल्स। अब ये जो पैडिंग है ये बाय डिफॉल्ट चारों तरफ से अप्लाई होगी, लेफ्ट से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी एंड देन राइट से भी। अगर मैं लेफ्ट से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यार पैडिंग मेरे पास लेफ्ट से 10 पिक्सल्स की हो जाए, अब मेरे पास क्या हुआ कि लेफ्ट से 10 पिक्सल्स की जो मेरे पास पैडिंग थी वो ओवरराइट हो गई। मैंने एक और बात बताई थी कि जो भी कोड आपका नीचे लिखा हुआ होगा वो उसको ओवरराइट कर देगा ऊपर वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो अगर मैंने ऊपर लेट से 100 पिक्सल्स के जो स्टाइलिंग है वो मैंने अप्लाई की हुई है, तो अगर मैं नीचे आकर के उसको ओवरराइट करना चाह रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट करूंगा, तो वो मेरे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो ओवरराइट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 10 पिक्सल्स की जो मेरे पास स्टाइलिंग थी वो ओवरराइट हो गई इसके ऊपर, और इसने मुझे यहाँ पे लेफ्ट से 10 पिक्सल्स आके दिखा दिया। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि भाई जो मेरे पास पैडिंग है राइट की वो भी मुझे चाहिए कि 10 पिक्सल्स, तो देखो मेरे पास राइट से भी हो गया, राइट से किसी तरह से नहीं रहा क्योंकि इसके बराबर में जो और कोई और एलिमेंट है नहीं। अब अगर मैं बोलूँ पैडिंग टॉप में चाह रहा हूँ कि भाई 10 पिक्सल्स, तो देखो टॉप से कितना हो गया 10 पिक्सल्स। अब अगर मैं बोलूँ कि यार पैडिंग चाहिए मुझे बॉटम लेट से 3 पिक्सल्स, तो ये 3 पिक्सल्स हो गया। लेकिन अभी मैं इसको 3 पिक्सल्स पे नहीं जा रहा, मैं इसको लेके जा रहा हूँ 30 पिक्सल्स पे, ठीक है। अब चार मरतबा मुझे अलग अलग डिफाइन करना पड़ रहा है
इन तमाम के लिए, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि यार हर दफा ना मैं कोई अलग अलग पैडिंग अप्लाई करूँ उन सबके ऊपर। अभी तो मैंने हर जगह से 10 सप्लाई किया हुआ है, मैं किसी जगह से 20 भी कर सकता हूँ, किसी जगह से मैं लेट से 30 भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इन तमाम प्रॉपर्टीज को हम एक लाइन में कैसे डिफाइन करते हैं, देखो आपने यहाँ पैडिंग लिखा लेट से 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स एंड देन अगेन 10 पिक्सल्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये कैसे अप्लाई होती है, पहला वाला जो है देखो यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है, ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है वो आपके पास होती है टॉप की, यानी कि ये जो अप्लाई होता है बेसिकली ये होता है क्लॉक वाइज के अंदर। मैं अगर यहाँ पे पेंट खोल के थोड़ा सा आपको बताऊं, अब क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो आई होप कि आप सबको पता होगी, ठीक है, कि अगर आगे पास ये क्लॉक है तो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, यानी कि सबसे पहले वाली जो प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर रहे हो 10 पिक्सल्स एंड देन यहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ कि 20, 30 और फिर 40, यहाँ पिक्सल्स लगा लेना, अभी मैं फिलहाल समझाने के लिए चलो लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो पहली वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो कौन सी है, टॉप की है, यानी कि जो पहली अगर आप प्रॉपर्टी दोगे तो ये टॉप पे अप्लाई होगी, दूसरी जो प्रॉपर्टी आप दोगे ये अप्लाई होगी आपकी राइट साइड पे, क्योंकि आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन चल रही है, पहले टॉप आया फिर आगे पास राइट आया, अब क्या आएगा खुद बहुत बताओ, बॉटम आएगा, ठीक है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसके बाद वाली है वो आपके पास यहाँ पे अप्लाई होगी बॉटम के लिए, और जो लास्ट वाली है वो अप्लाई होगी कहाँ पे, लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार एक ही लाइन में तमाम प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना अलग अलग, मैं चाह रहा हूँ कि भाई लेफ्ट साइड से मेरे पास जो पैडिंग है वो अलग हो, राइट साइड से जो मेरे पास पैडिंग है वो अलग हो, टॉप से और बॉटम से मेरे पास जो पैडिंग है वो अलग अलग होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि मैं एक ही लाइन में इस तरीके से करके डिफाइन कर सकता हूँ। देखो ये वाला कोड ना याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आप जब भी इंटरव्यू में जाओगे ना तो आपसे इस तरीके से करके वो पूछ सकता है, क्योंकि देखो मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट या पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट करके तो कोई बंदा भी लगा सकता है, लेकिन जो इनर कोड लिखे ना वो एक बेहतरीन डेवलपर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे होते हैं डेवलपिंग के अंदर, या यूजुअली लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जो अच्छी कोडिंग है कि आप एक लाइन में कोड लिखो और आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ज़्यादातर सेंटर्स वाले क्या करते हैं कि भाई वो एक लाइन का कोड लिखवाते हैं ना याद करवाते हैं, कोई चीज़ गलत है, आपको एक लाइनर कोड हमेशा याद होना चाहिए, और बेस्ट प्रैक्टिस भी यही होती है कि आप वन लाइन कोड से तमाम चीज़ें कर रहे हो। अच्छा अब क्या है हमारे पास कुछ बॉर्डर का स्टाइल है, और बॉर्डर के स्टाइल को इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया हुआ जिस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी एक लाइन में लिख के दिखा चुका है, ठीक है। अगर आप अलग से करना चाह रहे हो डिफाइन तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, फिर बॉर्डर स्टाइल डॉटेड या डबल ग्रूव रिज है, फिर इनसेट है, फिर आउटसेट है, देख रहे हो इस तरीके से करके आगे पास तमाम बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। मैंने आपको 2-3 अप्लाई करके दिखा दिए, अब आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए मजीद और बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बात समझ आ रही है। मैंने आपको एक ही लाइन में बेसिकली इन तमाम प्रॉपर्टीज को लगा के दिखा दिया। अब देखो बॉर्डर का कलर इन्होंने अलग से डिफाइन किया हुआ है कि भाई बॉर्डर का कलर आप इस तरीके से बता सकते हो कि भाई बॉर्डर का कलर आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अलग से। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने भाई एक ही लाइन में देखी है कि भाई किस तरीके डिफाइन करते हैं। अब देखो एक चीज़ उन्होंने यहाँ बताई हुई है कि भाई अगर आपको बॉर्डर का कलर डिफाइन करना है अलग अलग, यानी कि टॉप का अलग हो, राइट का, बॉटम का, लेफ्ट का, तो आप बॉर्डर कलर और फिर इस पूरी 4 लाइन के कोड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा अब आप बोल रहे हो कि यार हमने जो यहाँ पर अप्लाई किया है प्रॉपर्टी 1 लाइन में, हम इसके अंदर अप्लाई करें तो क्या होगा, आइदर हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली बॉर्डर कहाँ पर दिया था, यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स सी, पहली वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की ब्लू की, और दूसरी मैं चाह रहा हूँ कि लेट्स से ब्लैक, तीसरी मैं चाह रहा हूँ आई थिंक पिंक एंड देन येलो, चेक करके देखते हैं। अच्छा अब मुझे यहाँ पे बेसिकली देना पड़ेगा आई थिंक कॉमा। अच्छा तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ
वन लाइनर जो मेरे पास कोड है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉमा भी लगा लूँ, लेट्स सी। अच्छा, इसने क्या किया कि भाई अलग अलग प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पर ला करके नहीं दिखाई, ठीक है, जबकि इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई बॉर्डर कलर, यहाँ पे कोई भी चार कलर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, और ऊपर वाली में से मैं ये प्रॉपर्टी हटा देता हूँ उस टाइम पे, तो देखो इसने क्या किया कि अलग अलग मुझे प्रॉपर्टीज यहाँ पे लाके दिखा दी। इट मीन्स कि अगर आप एक लाइन में डिफाइन कर रहे हो तो वहां पर आप सिर्फ एक ही कलर डिफाइन करोगे, ठीक है, जबकि अगर आप मल्टीपल कलर्स लेकर आना चाह रहे हो, लेफ्ट से अलग, राइट से अलग, टॉप से अलग, बॉटम से अलग, तो उसके लिए आपको अलग से प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी बॉर्डर कलर की, और फिर आपको चार कलर्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन यूजुअली यूजुअली आपने ऐसा नहीं देखा होगा कहीं भी कि आपने मल्टीपल कलर अप्लाई कर दिए हो, या कोई प्रोफेशनल वेबसाइट है और वहां पर बहुत सारे कलर अप्लाई हुए हुए हों, ऐसा नहीं होता। आपको बेसिकली कूड़ा बंडा बिल्कुल भी नहीं बनाना होता अपनी वेबसाइट को, हमेशा अपने अपनी वेबसाइट को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और एक थीम में लेके चलना है, ठीक है। ये तो एक जस्ट इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप कभी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप सिर्फ एक सिंगल कलर दो अगर आपको बॉर्डर कलर देने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादातर से वन लाइनर कोड याद रखते हैं एज अ डेवलपर, ठीक है। अब देखो उन्होंने यहाँ पर वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन की हुई है, बॉर्डर 3 pixels डॉटेड एंड देन कलर, ठीक है, और इन्होंने मजीद पैडिंग को एलेबोरेट किया हुआ है यहाँ पे कि अगर मैं पैडिंग देना चाह रहा हूँ बॉक्स के अंदर तो किस तरीके से पैडिंग आएगी मेरे पास, और अगर मैं एक लाइन में पैडिंग देना चाह रहा हूँ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट तो मैं किस तरीके से दे सकता हूँ, ये वाली बात हमने यहाँ पर अभी देख ली है, ठीक है। सारी चीज़ें वही हैं, देखो अगर आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कोई एक चीज़ अप्लाई करना चाह रहे हो ना, किसी भी चीज़ की अगर चार प्रॉपर्टीज़ हैं, हमेशा याद रखना अगर किसी भी चीज़ की चार प्रॉपर्टीज़ हैं, फोर प्रॉपर्टीज़, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो उन सबको एक लाइन में डिफाइन करने के लिए हर एक का एक ही तरीका है। पहला वाला अगर दोगे तो वो किस लिए होगा, टॉप के लिए, दूसरा वाला अगर दोगे तो किस लिए होगा, राइट के लिए, तीसरा बॉटम के लिए, एंड देन चौथा लेफ्ट के लिए, सबके लिए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है जो कि हर एक के लिए अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हो, देखो मार्जिन इन्होंने किस तरीके से अप्लाई किया, 10 pixels ऑटो, 10 pixels ऑटो। अब देखो ऑटो का जो कीवर्ड है क्या करता है कि भाई जैसे उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि भाई टॉप ये देन राइट बॉटम एंड देन लेफ्ट, लेफ्ट और राइट से ऑटो का मतलब ये है कि वो अपने आप को बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद अपनी हाइट को करेगा एडजस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे पैडिंग कहीं दी भी हो, लेट्स सी यहाँ पे दी हुई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार अब जो मेरा पैराग्राफ है अगर हम अपने बॉडी के ऊपर आ जाएं और मैं बोलता हूँ कि भाई पैराग्राफ में मैं चाह रहा हूँ राइट, तो कभी भी अगर भूल जाओ ना कि भाई इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी कहाँ पे लग रही थी, तो हमेशा याद रखना कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा कहाँ चलेगी, क्लॉक वाइज, ठीक है, कि भाई पहला वाला टॉप का होगा, फिर क्लॉक नीचे आती है राइट साइड पर जाती है तो राइट साइड की प्रॉपर्टी होगी दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली बॉटम की होगी, इस तरीके से करके आपकी जो मूवमेंट है वो चलेगी। जैसे ही मैं ऑटो देता हूँ तो वो अपने आप की जो हाइट है उसको वो ऑटो करेगा एडजस्ट हमेशा हर दफ़ा, ठीक है। अगर मैं नहीं चाह रहा कि भाई मैं डिफाइन करना अपनी प्रॉपर्टी को कि भाई क्या हो प्रॉपर्टी मेरी, तो मैं यहाँ पे हमेशा ऑटो की हेल्प ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो ऑटो का क्या करेगा काम कि वो अपने आप को खुद ही करेगा एडजस्ट, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे आऊँ और यहाँ पर अगर हम देखें, अच्छा ये IE6 बॉक्स मॉडल के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि भाई अगर मैं यहाँ पे IE6 बेसिकली एक पुराना वर्जन था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विदाउट डॉक टाइप मैंने आपको बताया था हम डिफाइन करते हैं हमेशा स्टार्टिंग में अपने पेज के, अगर मैं विदाउट डॉक टाइप अपने ब्राउजर के ऊपर कोई भी कॉन्टेंट देखूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरे पास नज़र आएगा, ठीक है, जबकि अगर मैं अपने पास डॉक टाइप लगा लूंगा तो प्रॉपर एक अच्छे से फॉर्मेट पे मुझे अपना कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया डेमोंस्ट्रेट दिस, यू कैन सी द एग्जांपल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पेज
shown in IE 6 first without a dog type declaration and then again with an HTML 5 dog type declaration. तो HTML 5 ने काफी सारी चीजों को आकर के प्रॉपर फॉर्मेट पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, ये इन्होंने बात बताई हुई है. अच्छा, चेंजिंग इन लाइन और ब्लॉक. अब ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आपको किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले चेंज करना है और आपको उसको करना है इन लाइन के अंदर, तो आप उसको इजीली उसका डिस्प्ले करवा सकते हो चेंज, ठीक है. अच्छा, अब पहले तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई डिस्प्ले क्या होता है. डिस्प्ले प्रॉपर्टी अलाउज यू टू टर्न एन इनलाइन एलिमेंट इनटू अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट और वाइस वर्सा एंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू हाइड एन एलिमेंट फ्रॉम द पेज, ठीक है. द वैल्यू दिस प्रॉपर्टी कैन टेक आर इनलाइन. दिस कॉल अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट टू एक्ट लाइक एन इनलाइन एलिमेंट. अच्छा, अब देखो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या करती है कि किसी भी चीज़ का अगर आपको डिस्प्ले कराना है चेंज, लेट से मैं इसका करवा सकता हूँ डिस्प्ले हिडन, या डिस्प्ले में करवा सकता हूँ इसका इनलाइन. अब हिडन अगर मैं कर दूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास जो डिस्प्ले है यहाँ का इसका, वो इस टाइम पे ऑफ हो जाएगा, मुझे यहाँ पे कोई भी कंटेंट नज़र नहीं आएगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन, जबकि अगर वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो उसको एक्ट करवाएगा जस्ट लाइक एन इनलाइन एलिमेंट, ठीक है. इसी तरीके से अगर मेरे पास मैं किसी भी एलिमेंट को करना चाह रहा हूँ ब्लॉक लेवल, दिस कॉल्स एन इनलाइन एलिमेंट टू एक्ट लाइक अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट. सिंपल सी बात है कि अगर मैं किसी भी इनलाइन एलिमेंट को, लाइक आपके पास इनलाइन एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, स्पैन हो गया और मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको अगर मैं करना चाह रहा हूँ ब्लॉक लेवल के अंदर कन्वर्ट, तो मैं सिंपल उसका डिस्प्ले करवा दूंगा ब्लॉक. अब असल मसला आता है इनलाइन ब्लॉक के अंदर, ठीक है, कि भाई ब्लॉक समझ आ गया, इनलाइन समझ में आ गया. अब इनलाइन ब्लॉक क्या है हमारे पास, और अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको भूल भी जाते हैं. तो देखो सिंपल सी बात है कि दिस कॉल्स अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट टू फ्लो लाइक एन इनलाइन एलिमेंट वाइल रिटेनिंग अदर फीचर्स ऑफ द ब्लॉक लेवल एलिमेंट. मतलब क्या हुआ इस बात का कि भाई एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है आपके पास, वो फ्लो करेगा एक इनलाइन एलिमेंट के रिस्पेक्टिव से. फ्लो का मतलब क्या है कि अगर आप उसको करवाना चाह रहे हो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो वो बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करेगा जैसे लाइक अ इनलाइन एलिमेंट, लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स हैं सारे वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अपने अंदर वो रिटेन रखेगा, ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आऊँ और डिस्कस करूँ इनलाइन को और ब्लॉक लेवल को, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर लेट्स से मेरे पास आपके पास कुछ डिव्स हैं, ठीक है. अच्छा, अब एक डिव तो ये रहा बॉक्स का. अच्छा, अब जो बॉक्स है इसकी जो प्रॉपर्टी है मेरे पास, इसके अंदर से मैं काम करता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम जो हाइट और विथ का कॉन्सेप्ट है भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ. मैं सिंपल पे जा रहा हूँ, मैं इसकी विथ को लेके जा रहा हूँ लेट से 40%, ठीक है. और जो हाइट है मैं लेके जा रहा हूँ 500 pixels, ठीक है. ये हो गया हमारे पास कंप्लीट. अच्छा, अब एक और हमारे पास डिव है, मैं एक और डिव बना लेता हूँ. और अब मैं अगर अपने पेज के ऊपर आऊं तो देखो अब क्या किया मैंने, मैंने दो डिव बनाए. क्या मैसेज आया हमारे पास, अब जैसे हेडिंग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और इनलाइन करेंगे तो वो उसको इनलाइन में कर देगा. यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश कि अगर मेरे पास कोई लेट से H1 है और है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, अब मैं अगर उसको डिस्प्ले करवा दूंगा इन लाइन तो वो एज एन इन लाइन फीड करेगा, ठीक है. इसकी सिंपल मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर दे के दिखा देता हूँ कि लेट्स से मेरे पास ये एक H1 है, मैं यहाँ पे एक स्टाइल का टैग लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है वो मुझे चाहिए इन लाइन, ठीक है. तो इसने क्या किया कि इसके डिस्प्ले को इन लाइन कर दिया, लेकिन जो मेरा पैराग्राफ है ये स्वयं में ब्लॉक लेवल है, ठीक है. इसका भी डिस्प्ले है मैं करना चाह रहा हूँ लेट्स से इन लाइन, तो देखो किस तरीके से वर्क करेगा ये, ठीक है. देख रहे हो इसने क्या किया कि दोनों के डिस्प्ले को इनलाइन कर दिया, तो इसने क्या किया कि इसके आगे से कंटिन्यू कर दिया. बात समझ आई मेरी. इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे बॉक्सेस हैं
डिफ के इसका भी जो डिस्प्ले है वो हो जाए इनलाइन, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो मेरा जो मेरा बॉक्स था उसका डिस्प्ले हो गया अब इनलाइन, यानी कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मेरी एक ही लाइन में आ गई, देख रहे हो, ये मेरे पास बटन भी एक लाइन में आ गए, हेलो वर्ल्ड, पैराग्राफ, सारी चीज़ें मेरे पास एक लाइन में आ गई। इसी तरीके से जो नीचे वाला मेरे पास डिफ था उसके अंदर भी सेम चीज़ हुई मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं तो कर दूँ 30% तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, इसने अच्छा परसेंटेज से अगर मैं हटा दूँ, लेट से 300 pixels, तो इसने क्या किया बेसिकली, अच्छा अब ये काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ इनको अलग अलग रहने देता हूँ ताकि समझने में ना कन्फ्यूजन ना हो, अदरवाइज समझने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। अच्छा देखो अभी किस तरीके से आगे पास अप्लाई हुआ है, अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है ना आपके पास। अच्छा ये जो बटन्स हैं इनके अंदर भी स्पेसिंग मुझे हटानी पड़ेगी, तो मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है ठीक है। अब आपके पास जो पूरा एक डिव है ये आपको पता है क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ठीक है। अच्छा नीचे वाले का भी मैं काम करता हूँ ना, साथ साथ कर लेता हूँ स्टाइलिंग, वाइट, और इसके अंदर भी मैं कुछ बॉर्डर का इफेक्ट ले आता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी है, बल्कि एक काम करते हैं बॉर्डर हटा ही देते हैं, ठीक है। सिंपल हम इसका कलर जो है बैकग्राउंड का वो हल्का सा डार्क कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहे, और इसका जो कलर है मैं ले लेता हूँ लेट से क्या वाइट, ठीक है। सही है, सारी चीज़ आ गई मेरे पास। अच्छा इसकी जो हाइट और विड्थ है वो भी मैं सेम ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो पहले वाला मेरे पास टिप है उसका डिस्प्ले करवा दो इनलाइन, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, इसने तमाम एलिमेंट्स को इनलाइन कर दिया, लेकिन अब जब इसने इनलाइन किया तो जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी डिफ की, बात समझ आ रही है, यानी कि जो डिफ के अंदर मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स थे उन तमाम की जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो मुझे इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे एक काम भी करना पड़ेगा आप लोगों को मैं समझाना चाहूँ, तो मुझे यहाँ से बटन्स वगैरह सारे हटाने पड़ेंगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड का जो कलर है वो रखना पड़ेगा ताकि जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनको मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। हमारे पास बॉक्स आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास बेसिकली डिव है ये प्रॉपर्ली जो है इसको रीड नहीं कर रहा, अगर मैं इसको कर दूँ इन लाइन ब्लॉक, ठीक है। अच्छा अब नीचे वाले को भी अगर हम डिस्प्ले करवा दें इन लाइन ब्लॉक, तो चेक करते हैं कि ये आइदर इन लाइन आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसको इन लाइन ब्लॉक किया, इसने अपनी जो प्रॉपर्टी है ब्लॉक लेवल की वो तो रिटर्न रखी, लेकिन वो सारे इन लाइन आ गए। बात समझ आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? देखो हमने इन लाइन ब्लॉक के बारे में क्या पढ़ा था कि भाई अपने अंदर वो ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी और इन लाइन की प्रॉपर्टी दोनों को लेकर आके रखता है, लेकिन जो उसका फ्लो है, अब फ्लो से मुराद क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के ऊपर भी मूवमेंट हो सकती है, वाई एक्सिस के ऊपर भी मूवमेंट हो सकती है, तो वो सारी इन लाइन की आ जाएंगी और जो इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो सारी ब्लॉक लेवल की रहेगी। अब अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेंट को ओपन कर दूँ, देखो डिफ का काम क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ, और आप लोगों से भाई डिफ का काम क्या होता है, कंटेन करना, ठीक है ना, एलिमेंट को, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये तमाम एलिमेंट मौजूद रहें,
कंटेनर है, कंटेनर है, ठीक है। तो कंटेनर क्या, एक जाहिर सी बात है, इट्स सेल्फ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा, तभी तो वो एक पूरे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। अगर वो कंटेनर ही इनलाइन हो जाएगा इट्स सेल्फ, तो वो जाहिर सी बात है खुद तो लाइन में आ जाएगा और तमाम एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करना छोड़ देगा। बात समझ आ रही है? इसीलिए हमने यहाँ पे डिफ को इनलाइन ब्लॉक ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके दी है, ताकि उसके अंदर जो उसका अपना जो समझ लो कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है जो कि वो कंटेन कर रहा है वो उसमें मौजूद रहे और वो इट्स सेल्फ इन लाइन भी हो जाए। देखो लाइन में आ गया ये, अभी नीचे क्यों आ रहा है, इसकी मल्टीपल वजह हो सकती है, लाइक ये जो है इसने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट की स्पेसिंग वगैरह हमने दी भी होगी तो वो उसने यहाँ पर ऐड कर ली है, ठीक है। अभी हम फिलहाल इतने ज़्यादा स्पेसिंग के चक्करों में नहीं पड़ रहे, अभी हमें मेन कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पर समझ लिया कि भाई क्या जब भी आप डिफ को दोगे कोई भी प्रॉपर्टी, तो आपको यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले करवा रहे हो तो आपको इन लाइन ब्लॉक देना है, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है डिफ का मेन वो मौजूद रहे। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर देता जो कि हम पहले कर रहे थे, कि हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या दे रहे थे, इन लाइन दे रहे थे, तो क्या किया इसने, देखो इसने तमाम एलिमेंट्स को इन लाइन कर दिया। बात समझ आ रही है? ये फर्क है डिफ के लिए, अगर आप यूज करोगे हमेशा तो इनलाइन ब्लॉक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। देखो वापसी अपनी जगह पर आ गया। हाँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई किसी भी चाइल्ड एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, स्टाइल प्ले इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन। तो उसने क्या किया कि जो मेरा हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट था वो पूरा एक लाइन में ला करके मुझे दिखा दिया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब अगर मैं, हाँ अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ है डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, कि अगर मैं डिस्प्ले करवा दूं नन, लेट्स से कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं करना चाह रहा हूँ इसका डिस्प्ले नन, क्या करेगा, डिस्प्ले को हाइड कर देगा वो, देखो गायब हो गया वो एलिमेंट। ये डिस्प्ले नन की जो प्रॉपर्टी है, बेसिकली हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जब हमें यूजली जावास्क्रिप्ट लगानी होती है और हमें कोई एक बॉक्स हाइड करके किसी भी क्लिक इवेंट के ऊपर उसको फायर करना होता है, और वो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। ये वाली बात भी आप छोड़ जो मैंने भी कही है, पर इतना समझ लो कि अगर हम डिस्प्ले नन करेंगे तो उसका डिस्प्ले वहाँ से हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अभी मैं फ़िलहाल यहीं तक रखता हूँ, वरना फिर अगर मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम अपनी जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है उसको यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स के अभी तक जो है वो आप लोगों को समझ